जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलन के बीच रिलायंस जियो के मोबाइल टावर टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें रिलायंस और अदानी के प्रोडक्ट्स का विरोध भी किया जा रहा है। नतीजन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से अधिक टावर तोड़े जा चुके हैं। इस पर अब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कंपनी ने राज्य सरकार से मामले को नोटिस में लेने की भी अपील की है। कंपनी ने अपनी ओर से कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी न तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और न ही करवाती है और न ही भविष्य में इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की ओर से कोई योजना है। कंपनी ने यह भी कहा है कि कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस के सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से कोई भी जमीन हरियाणा, पंजाब अथवा देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है, न ही भविष्य में ऐसा करने की उनकी कोई योजना है। भारत में संगठित रिटेल कारोबार में रिलायंस रिटेल एक अग्रणी कंपनी है। यह देश में दूसरी कंपनियों, निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ब्रांडों के खाद्य अनाज, फल, सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, परिधान, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स सहित सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बेचती है। यह किसानों से सीधी खरीद नहीं करती। किसानों से अनुचित लाभ लेने के लिए कंपनी ने कभी भी लंबी अवधि खरीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं की है और न ही ऐसा कभी होगा। 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता, उनका हम सम्मान करते हैं। रिलायंस की ओर से सहयोगी किसान को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए कंपनी और उसके सहयोगी कड़ी मेहनत से समर्पण के साथ पैदा की गई उनकी उपज का किसानों को उचित और लाभदायक मूल्य मिले, इसका पूरा समर्थन करते हैं। रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि चाहता है और इस लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों राज्यों में कंपनी के मोबाइल टावर में हुई तोड़फोड़ के पीछे कंपनी दूरसंचार विभाग में इसकी शिकायत भी कर चुकी है। हालांकि कंपनी ने किसी भी प्रतिद्वंदी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस शिकायत के बाद एयरटेल और वोडाफोन ने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। इन कंपनियों ने भी इस विषय में दूरसंचार विभाग को चिट्ठी लिखी है। कंपनी ने बताया कि देश में उसके कुल 40 करोड़ ग्राहक हैं। केवल पंजाब में लगभग 9000 मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो के हैं। कंपनी ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे हाल ही दिनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कंपनी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका के तहत उपद्रवियों और निहित स्वार्थ तत्वों के खिलाफ दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की मांग की है, ताकि रिलायंस पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर से अपने सभी कारोबार को सुचारू रूप से चला सके।